हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27th से लेकर 29th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो 27th ऑफ मार्च को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे आता है? 27th ऑफ मार्च को आता है वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे, थिएटर की इम्पोर्टेंस, थिएटर की वैल्यू क्या है, इसके लिए वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का वर्ल्ड थिएटर डे का थीम क्या था? तो थीम था थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, राइट। तो इसी दिन 27th ऑफ मार्च को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन जो था वो शुरू किया गया था 1961 के अंदर, टू सेलिब्रेट वर्ल्ड थिएटर डे, राइट। फिर नेक्स्ट 29th ऑफ मार्च की बात करते हैं। 29th ऑफ मार्च को होता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जो होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो दिन है उनके लिए, ये एक उनके लिए मॉर्निंग डे है। मॉर्निंग डे मतलब एक शॉक दिवस है, क्योंकि इसी दिन जो गुड फ्राइडे होता है, इस दिन जो उनके जीसस क्राइस्ट जी थे उनका क्रूसीफिशन हुआ था। क्रूसीफिशन मींस कि उनके जो हाथ और पैर थे उन पे कील काट दिए गए थे, उनकी उनको मार दिया गया था। तो इसी जो ये डे है उसके रिमेम्बरेंस में ये गुड फ्राइडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं? जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो ये क्या है? ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेकिन कौन सी कंट्री का है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है, ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? और रिसेंटली ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है, उनको ऑनर किया गया है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो अवार्ड से। तो कौन सी कंट्री का ये अवार्ड है? ये भूटान का अवार्ड है। भूटान के जो किंग है, किंग का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामजिल वांगचुक। भूटान के जो किंग है उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारी कंट्री के हेड है, उनको ये दिया है। और इसी के साथ ही ये जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फर्स्ट फॉरन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए हैं टू रिसीव दिस ऑनर। और ये क्यों दिया गया है? ये दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन। इंडिया भूटान रिलेशन की ग्रोथ में उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करी है, इसीलिए उनको इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, राइट। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कुछ इस तरह का होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, तो यूजली ये जो बर्ड है ये गुजरात और राजस्थान वाले एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ये गुजरात और राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है। अब वहाँ पे हो क्या रहा है? वहाँ पे सोलर पैनल्स सेटअप किए जा रहे हैं गुजरात और राजस्थान वाले एरियाज में। तो वहाँ पे ये जो बर्ड है, जो सोलर पैनल सेटअप किए जा रहे हैं, उसकी वजह से इस बर्ड की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, मर रहे हैं ये पक्षी जो है। मर क्यों रहे हैं? क्योंकि सोलर पैनल्स की जो वायर्स लगाई जा रही है ग्राउंड पे, तो उसके साथ ये अटक जाते हैं, शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ऑलरेडी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो अगर इसी तरह से मरते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना है, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। तो वो इसको हेड कर रहे हैं। तो अब ये डिस्कशन चल रही है, क्योंकि अब देखो सोलर पैनल्स जो है क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पैनल्स सेटअप करना भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ
ये जो बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसकी प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। ये जो बेंच है बनाया गया है, तो इसमें ये सोल्यूशन निकाला जाएगा कि जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये भी बच जाएं, अब इनकी भी जान को कोई खतरा ना हो, और साथ ही साथ जो सोलर पैनल्स है वो भी वहाँ पर सेटअप किए जाएँ, मतलब दोनों काम साथ में होने चाहिए। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है और इस पर अभी इस पर डिस्कशन होगी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है कि कौन सी स्टेट का ये स्टेट बर्ड है, तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, राइट। इसके अलावा IUCN रेड लिस्ट में इसको कौन सी कैटेगरी में डाला है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मतलब इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया ने लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो लॉन्च किया गया है, इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन इंद्रावती। तो हेती से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो शुरू किया गया है। हेती में अभी सिविल वॉर चल रही है, हेती में जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, सिविल वॉर चल रही है, जिसके चलते हुए जो इंडियंस है उनको हेती से निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक में शिफ्ट किया जा रहा है सिविल वॉर की वजह से, राइट। तो अब इन दोनों कंट्रीज की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन में पड़ती है, ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, नीचे साउथ अमेरिका आ गया, तो यहाँ पे है ये छोटी सी कंट्री हेती, और हेती के साथ ही यहाँ पे आ जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक। हेती की कैपिटल क्या है, पोर्टो प्रिंस। कैपिटल क्या है, पोर्टो प्रिंस। एंड डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, सैंटो डोमिंगो। डोमिनिकन रिपब्लिक की क्या है, सैंटो डोमिंगो, राइट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू सेटअप इन विच स्टेट, कौन सी पहली स्टेट है जहाँ पे पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है वो सेटअप होने जा रहा है, तो स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो कौन इसको सेटअप कर रहा है, कौन सी कंपनी है जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है इसको सेटअप कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कंपनी का नाम है गुड इनफ एनर्जी। गुड इनफ एनर्जी जो है वो सेटअप करने जा रही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी जो इनिशियल कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी 7 GW की, और हमारा टारगेट है कि 2026 तक हम इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 20 GW कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो इंडस्ट्री की कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगी, कितनी कम होगी, 5 मिलियन टन से भी ज़्यादा तक की जो इंडस्ट्री की कार्बन एमिशन है पर ईयर वो कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज पुष्पक। पुष्पक क्या है, पुष्पक एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म क्या है, RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब कि एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज हो सकता है, राइट। किसने इसको, ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है हमारे इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी इसका जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है, सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ है, RLV-LEX-2 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। अब जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सक्सेसफुली हो चुका था, रीयूजेबल है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया है। तो कहाँ पे ये सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, चित्रदुर्ग इन कर्नाटका, कर्नाटका में चित्रदुर्ग में, कहाँ पे, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पे इसको जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया गया था, जो कि सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट म्यूजिशियंस एंड अदर आर्टिस्ट अगेंस्ट AI। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से म्यूजिशियंस हो गए या जो बाकी के आर्टिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट कैसे करना, जैसे होता है म्यूजिशियंस की आवाज़ जो है AI क्या है उसको कॉपी कर लेता है,
तो उसको जो है उनको प्रोटेक्ट करना, उनका जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लाया गया है, एक बिल लाया गया है। कौन सी स्टेट के अंदर ये बिल आया है? तो ये बिल आया है यूएसए की एक स्टेट है, यूएसए की स्टेट है, इंडियन स्टेट नहीं है, यूएसए की स्टेट है, नाम है टेनेसी। टेनेसी के अंदर एआई के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए ये बिल जो है वो लाया गया है, राइट। नेक्स्ट इज द एस्ट्रॉयड 2005 EX295 हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एस। अब एस्ट्रॉयड था एक जो डिस्कवर किया गया था, अब जब डिस्कवरी करी गई थी तो इसका नाम रखा गया था 2005 EX295। क्यों? क्योंकि ये 2005 में डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर 2005 में हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसको एक जो इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स है उनके नाम से इसका नाम रखा गया था और इसको अभी अप्रूवल मिल चुका है, राइट। तो क्या नाम रखा गया है इसका? जो हमारे जयंत मूर्ति जी है, इंडिया के एस्ट्रोफिजिशियन है जयंत मूर्ति जी, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। पूरा नाम क्या है? 215884 जयंत मूर्ति, राइट। अब ये जो एस्ट्रॉयड है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी MW बुई ने। ऐसा नहीं है कि जयंत मूर्ति जी ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर नहीं किया था, ये एस्ट्रोफिजिशियन है तो इनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसकी डिस्कवरी करी थी MW बुई ने। कहाँ पे करी थी? यूएसए अरिजोना में 2005 के अंदर ही इसको डिस्कवर कर दिया गया था एट किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी, राइट। नेक्स्ट है, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बेयरर एट 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 जो पेरिस ओलंपिक है उसमें फ्लैग बेयरर कौन से इंडियन बनेंगे? इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेयरर होंगे वो कौन होंगे? उनका नाम है शरत कमल। शरत कमल होंगे फ्लैग बेयरर और इंडियन ओलंपिक के जो हेड बनकर जाएंगे वो कौन होंगी? मैरी कॉम। और जो चीफ हेड होंगे वो होंगे शिवा केशवन, राइट। चीफ हेड नहीं बोलेंगे इसको, डिप्टी हेड जो होंगे, हेड मैरी कॉम होंगे और जो डिप्टी हेड होंगे वो शिवा केशवन होंगे, राइट। नेक्स्ट है, हु विंस फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री ये किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सैंस ने। कार्लोस सैंस ने इसको जीता है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना इसका नाम। नेक्स्ट है साक्षम ऐप। साक्षम ऐप लॉन्च करी गई है रिसेंटली। किसने लॉन्च करी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है साक्षम ऐप। कौन से लोगों के लिए ऐप लॉन्च करी गई है? वो लोग जो डिसेबल है, वोट देने नहीं जा सकते तो घर से वोट देंगे वो, तो उनके लिए ये साक्षम ऐप जो है लॉन्च करी गई है। डिसेबिलिटी जिनकी 40% तक जो लोग डिसेबल है उनके लिए है, या फिर वो लोग जो 85+ है, जिनकी एज 85 से ज़्यादा है, तो उनके लिए ये साक्षम ऐप लॉन्च करी गई है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया, राइट। नेक्स्ट, साइमन हैरिस बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। साइमन हैरिस रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। कौन से कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। इनकी जो एज है वो कितनी है? 37 ईयर्स की एज है इनकी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।